वो कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस कुछ कुछ एक्टर्स के सीनियर एक्टर्स के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। सेकंड हाफ जब होता है ना तो स्टोरी बिल्ड करने में को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देता है। बहुत उमदा, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग। देखिए ये फिल्म अगर देखनी है चाहे वो पार्ट वन हो, टू हो या थ्री हो, ये फिल्म ये माइलेज भी कमल हसन को ही दिया गया और देना भी चाहिए, बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ वो दो घंटा ढाई घंटा तीन घंटा जो है उनका परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना है। अगर वो माइंडसेट से आप फिल्म देखना जाओगे तो आप बोलोगे यार हमको उसको ही देखना है, औरों का परफॉर्मेंस है, सपोर्टिंग रोल्स है, ठीक है, अच्छी बात है, पर उनको ही देखता है, बहुत मज़ा आता है अगर उनको देखते हुए, बहुत मज़ा आता है। देखिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैं कभी औरों का रिएक्शंस पे मैं तवज्जो नहीं कहता हूँ, नहीं देता, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं जब एक फिल्म देखता हूँ मैं उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता हूँ, मैं फिल्म थिएटर में नहीं रहता हूँ, तब इमोशनली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट। मैं सोचता हूँ आप जैसे खड़ी हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, मेरे को लगता है मैं यहीं पे हूँ, उनके इर्द गिर्द में हूँ और मैं वो जीता हूँ, वो लाइफ को जीता हूँ, तो मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फिल्म देखोगे तो आप डूबोगे वो कहानी में जब तक डूबोगे नहीं यू विल नॉट अप्रिशिएट फिल्म। तो वही मेरा मैसेज है, इन केस इफ यू वांट टू सी अ गुड ड्रामा, अ गुड एक्टिंग, अ गुड स्टंट, अ गुड फाइट सीक्वेंस, अ गुड ओवरऑल प्रेजेंटेशन, देन यू वॉच दिस फिल्म। तो मेरे लिए तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव लोगों को क्या लगेगा वो भी मैं बता रहा हूँ, इमोशन से भरपूर है फर्स्ट हाफ, तो इमोशन से यंगस्टर्स को थोड़ा उनको अटपटा लगता है, ज़्यादा इमोशन सीन्स अच्छे नहीं लगते हैं उनको, शॉर्टकट अच्छा लार्जर टू लाइफ, स्टंट्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस उनको उससे मतलब है। तो साउथ की जो यंगस्टर्स हैं और नॉर्थ की जो यंगस्टर्स में बहुत अंतर है। हिंदुस्तानी 2 मुझे हिंदुस्तानी 2 के जैसी लगी, क्योंकि मैं उस सदी का बच्चा हूँ जो इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने थिएटर में एंजॉय किया था। 4 साल का था तब मैं, तो डैडी ने जब बैंड्रा टॉकीज में मुझे लेके गए थे, ये मूवी के विजुअल्स मुझे तभी भी याद थे, और सबसे ज़्यादा तो मुझे वो गाना याद था कि झटका दिखा दिया तुमने, उर्मिला के साथ जो कमल हसन का कॉम्बिनेशन था, तो वो कमल हसन की एक्टिंग उसके अंदर अच्छी लगी थी, जो उनके डायलॉग्स थे, अल्लाह वड़ा खम कमल हसन, मेरा नाम कमल हसन, तुम खमरना ही होगा जाने बाहर तो उनकी जो आवाज़ें थी, उनकी जो मतलब वो एक बोलते ना जितनी भी उनकी पोटेंशियल थी ना उस मूवी में वो नज़र आई थी। उस टाइम पर ऐसी मूवी बनाना शंकर के अलावा मेरे ख्याल से शायद ही कोई सोच सकता था 1996 में, तो वैसी मूवी को उन्होंने उस टाइम पर बना दिया था 15 करोड़ के बजट में। आई थिंक वो मूवी वो उस टाइम पर बनी थी तमिल लैंग्वेज में, उसके बाद सक्सेस के बाद हिंदी में डब हुई वो, और हिंदी में उसने 50 करोड़ किया था, तो सोचो उस टाइम की मूवी ने इतना कलेक्शन किया था। तो वही सोच के मैं इंडियन 2 का तो मेरे से पहले मुझे देखना था, और इंडियन 2 में भी वही करप्शन, वही रिश्वत, नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वत ले रहे हैं और नीचे से लेके ऊपर तक सब मार खा रहे कमल हसन के हाथ से, तो मज़ा आया मूवी देख के। OTT का दौर है, रिमेक बहुत सारे आते जाते रहते हैं, इसका भी अगर OTT डब होता है क्यों लोग आना पसंद करेंगे? OTT देखो कैसा है ना, वो वेल्ले लोगों के लिए, जो मूवी लवर होगा ना, जिसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना रहता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या किसी को मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं कभी और आ जाए, जिसको मूवीज़ पसंद है थिएटर में देखना, वो थिएटर में आता ही है। कंटेंट अगर अच्छा हो तो कोई भी आएगा, आपने मुंजिया में भी देखा होगा। हाँ जी, तो मतलब वर्ड ऑफ माउथ जब आता है मूवी का तो पब्लिक आती है देखने, अच्छे कंटेंट लोगों को पसंद है, तो जिसको OTT का इंतज़ार है वो OTT का इंतज़ार करेगा, जिसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना है वो थिएटर में आके एंजॉय करेगा मूवी।